हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेसन एकक 4 रासायनिक बलगत जो अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट रासायनिक बलगत। केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो रासायनिक बलगत की बोल सकते हैं इसको। तो ये केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत की क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह कोई रासायनिक, यानी केमिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है और इसमें गत के बारे में। तो दोस्तों, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अवक्रियाओं के वेग, उनको प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? रासायनिक बलगत कहलाती है। ठीक है, तो नोट कर लेता हूं मैं। स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अवक्रियाओं के वेग, अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि, जो मैकेनिज्म है, का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगत की विज्ञान या रासायनिक बलगत की कला की, राइट। तो दिस इज द डिफिनेशन, प्लीज नोटेड डाउन इट। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो अवक्रियाएं होती हैं तो वेग की दृष्टि से, यानी वेग समझते हैं कि धीरे तेज कैसी अवक्रिया होती है, तो वेग के आधार पे अगर हम रासायनिक अवक्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं तो वेग के आधार पर वर्गीकरण करने पर रासायनिक अवक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया कि वेग के आधार पर रासायनिक अवक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली अवक्रिया जो तीव्र अवक्रिया, यानी तीव्र अवक्रियाएं, They are known as instantaneous reaction, right? और दूसरी है अति मंद अवक्रियाएं, very slow reaction, और तीसरा है मंद अवक्रियाएं, ठीक। तो तीव्र अवक्रियाएं instantaneous, इंस्टेंट में क्या होता है, इनको एक हिंदी में अलग वर्ड में कह सकते हैं तात्कालिक अवक्रियाएं। तात्काल का मतलब जो पलक झपकते, ट्विंकलिंग आईज जो कहते हैं ना, ट्विंकलिंग आईज यानी पलक झपकते ही हो जाए, उससे भी कम समय लगे, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तीव्र अवक्रियाएं। अब तीव्र अवक्रियाएं कौन सी होती हैं, इसको हम शॉर्ट में ज्यादा डिटेल में न जाके शॉर्ट में बताते हैं आपको। तो तीव्र अवक्रियाएं समझ गए, वे अवक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र वेग से होती हैं तथा जिनके वेग को निर्धारित करना संभव नहीं है, यानी हम इनके वेग का मेजरमेंट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डूइंग मेजर ऑफ दिस मेजर द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, क्योंकि इतनी तीव्र वेग से होती हैं कि इनको वेग को मेजर नहीं किया जा सकता। ये पलक झपकने से भी कम समय में हो जाती है, ठीक है। और ये कौन सी अवक्रियाएं होती हैं? आयनिक अवक्रियाएं। कौन सी अवक्रियाएं? आयनिक अवक्रियाएं, जैसे जो आयनों के बीच होती है, राइट। अब आयनिक अवक्रियाओं में आप जैसे उदासीनीकरण, इसमें क्या ले सकते हैं? जैसे उदासीनीकरण, ठीक, अवक्षेपण आदि अवक्रियाएं जो है, जैसे अवक्षेप जो बनते हैं, ये क्या होती है? तीव्र अवक्रियाओं के एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट है अतिमंद अवक्रियाएं, जो वेरी स्लो मोशन रिएक्शन। तो अतिमंद अवक्रियाएं, यानी अब देखिए इसका ठीक उल्टा, 100% अपोजिट। तीव्र अवक्रियाएं जो पलक झपकते ही होती,
इनके वेग का निर्धारण करना क्या है भाई, असंभव है। और अति मंद अवक्रियाएं भैया इतने मंद गति से होती हैं कि इनके वेग का निर्धारण करना क्या है, इस तरह से असंभव ही, यानी इनके वेग को भी नहीं नापा जा सकता। ये बहुत ही स्लो से, मतलब बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत, अब ये 2 साल में होगी, 4 साल में बैठ के नापते रहिए, ठीक है, जो संभव नहीं है। समझ में आ गई बात। अब अति मंद अवक्रिया का बेटर एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो हम पानी पीते हैं, देखने में तो बहुत आसान है, कहीं कहीं पानी की बहुत मात्रा है, कहीं जो है पानी के लिए लोग तरसते हैं। अगर तरसते हैं भैया तो अगर बनाना होता तो आराम से बन जाता, लैब में बना लेते पानी, लेकिन किल्लत है। तो अगर आप बोर्ड पे पानी बनाते हो तो H2+ H2 लिखा आपने और लिख दिया भैया H2, ये रिएक्शन हो गया, पानी बन गया, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप जानते हो मिलते हैं, पानी बनता है। बोर्ड पे तो बड़े सिंपल, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम आपस में मिलाते हैं और ये देखें कि पानी बन जाए, तो ये संभव नहीं है, बहुत समय लगता है, इसमें सालों लग सकते हैं, बरसों लग सकते हैं एक बूंद पानी बनाने में, ठीक है। ये कब, यानी यहाँ देखिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, तत्काल भी बनेगा, लेकिन इसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। तो उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में, यानी जब उत्प्रेरक ना हो, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनने की अवक्रिया है वह एक अति मंद वेरी स्लो मोशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, राइट। और अगला है मंद अवक्रियाएं। तो ये अवक्रियाएं कौन सी अवक्रियाएं होती हैं, तो मंद अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होती हैं जो मंद वेग से होती हैं, यानी इनके होने में ये धीरे धीरे अधिक समय लगता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो आप लिख सकते हैं कि आणविक अवक्रियाएं, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, आणविक अवक्रियाएं, जो भी आणविक अवक्रियाएं बहुत सारी, ठीक है, अति मंद अवक्रियाओं को छोड़कर ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए मंद अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होती हैं जिनके वेग का निर्धारण किया जा सकता है, राइट, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब दोस्तों इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब शुरू होता है। वैसे तो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, नॉलेज आपको सारी चीज़ों का लेना है जो भी है। तो अवक्रिया का वेग, अवक्रिया जैसे वेग शब्द आया तो अवक्रिया का वेग या अवक्रिया की दर, ठीक, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और यहां आप सीधे जल्दी एक रीजन है रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो अवक्रिया की वेग क्या होती है इसको समझते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अविकारक पदार्थ है ए, और ये कन्वर्ट होता है किसमें भैया, प्रोडक्ट में, क्लियर। अब जो ये हमारा अविकारक है प्रारंभ में, मान लीजिए हमने इसकी ए मोल प्रति लीटर मात्रा ले रखी है, कितनी रखी है ए मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो शुरुआत में कोई भी चीज होती है तो तुरंत होती नहीं, यानी कोई भी चीज है तत्काल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई। जब हमने पदार्थ लिया तो अभी कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रारंभ में कितना प्रोडक्ट बना, 0, या हम समय लिख सकते हैं कि प्रारंभ में, राइट, इनिशियली। अब कुछ भी होने में कुछ तो समय लगता भैया, तो आफ्टर टी टाइम, यानी टी समय बाद अब रिएक्शन हो रहा है कुछ होगा, तो टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, मान लीजिए जो ए मोल हमारी प्रारंभिक मात्रा थी पदार्थ की, उसमें से एक्स मोल कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, राइट, यहां कितना बचा ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, और ये हो गया एक्स मोल प्रति लीटर। समझ में आ रही बात, फिर से समझे, कोई पदार्थ ए था, मतलब पदार्थ ये इसका ए नाम है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट, और वो टी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब पदार्थ की हमने कितनी मात्रा ले रखी थी ए मोल, स्मॉल ए मोल प्रति लीटर, तो शुरुआत में वो कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कुछ भी नहीं, 0, राइट। टी समय बाद जब रिएक्शन शुरू होता है तो एक्स मोल उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट, तो यहां कितना बचा ए माइनस। अब देखिए जो पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन हुआ टी टाइम में वो कितने का हुआ, एक्स का, तो यहां से जो दर होगा
वेग या दर, दर बराबर क्या होगा, जो सांद्रण परिवर्तन, सांद्रण परिवर्तन अपान टाइम समय, राइट। तो दर बराबर क्या हो जाएगा भैया, एक्स बटे, क्लियर, समझ में आ गया बात। अब देखिए साइंस में हम क्या हमेशा इंस्टेंट जो टाइम होता है टेंस टू जीरो पे ही हम सब चीज निकालते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में, राइट। तो अगर हम कहें कि डीटी टाइम यानी भाई टी टेंस टू जीरो, डीटी टाइम में जो एक ही सांद्रता थी उसमें डीएक्स का परिवर्तन हो रहा है, डीएक्स मोल पर लीटर का, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दर बराबर क्या हो जाएगा, डीएक्स अपॉन, क्लियर है, ठीक हो गया। तो अब इससे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिख देते हैं, देख लीजिए ध्यान से इसको, इरेज करते हैं और इसको याद भी कर लेंगे आप। तो परिभाषा है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्र में परिवर्तन को अवक्रिया का दर कहते हैं, ठीक है, या यूं कह सकते हैं एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की जितनी मात्रा, जितनी सांद्रता परिवर्तित होती है, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। समझ आ गया, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है, राइट। इसे यानी इसे अभिक्रिया की दर को dx अपॉन dt जो मैंने बता दी से व्यक्त करते हैं, राइट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt से, क्लियर। तो यानी अब जान लीजिए दर बराबर हो जाएगा dx बटे, क्लियर, एनी डाउट, आगे बढ़ें, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और जान लें कि ये पूछता है कभी कभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव वाले में अवक्रिया की दर की परिभाषा तथा मात्रक की, तो अवक्रिया के दर का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए यक्स को जो सांद्रता है उसको हम किस में लिए थे, मोल प्रति लीटर में, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, और समय कितने लिया हमने, सेकंड में, ठीक हो गया। इसको यूं लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, क्लियर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्लियर, इट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, कोई रिएक्शन दे दिया इसका दर समीकरण लिखो, ये क्वेश्चन है कि आर गिव्स पी है कोई रिएक्शन, तो इसका हमको औसत वेग या दर समीकरण लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जान लें, तो लिखेंगे कि आर के सांद्रता में ह्रास, यानी यहाँ अभिकारक है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी सांद्रता में कमी होगी, तो ध्यान दें जो लेफ्ट होगा उसको माइनस के साथ चाहिए, बराबर हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन ए, और जो राइट वाला है कि पी के सांद्रता में वृद्धि, भाई पी बन रहा है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी तो उसको प्लस के साथ लिखते हैं, प्लस डी पी अपॉन डी, राइट, समझ में आ गई बात। और यही अगर औसत की बात की जाए कि औसत दर लिखना है तो हम यहाँ डेल्टा का यूज करेंगे, डेल्टा आर अपान डेल्टा टी डेल्टा पी अपान, ठीक है, क्लियर। तो औसत जिसमें हम डेल्टा का यूज करेंगे, यही अगर तात्क्षणिक
तात्क्षणिक विग्रह है, तात्क्षणिक यानी तत्काल, तो वही क्या हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, और ये पी के लिए, पी के लिए क्या हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन डी टी, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसके लिए कैसे लिखेंगे ये आपको हम बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, अभिक्रिया के औसत दर का समीकरण, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि मान लीजिए कोई चीज़ अभिक्रिया हो रही है तो किसी चीज़ के समाप्त होने की दर, अब वही चीज़ फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये पूछा जाए कि इसके समाप्त होने की दर यानी जो अभिकारक है उसके समाप्त होने की दर और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बनने की दर, तो क्या होगी, क्या होगी, दोनों बराबर होगी। यानी अगर कोई प्रोडक्ट ए है तो जितना प्रोडक्ट जितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए अगर समाप्त होकर पी बन रहा है जितने समय में, उतने ही समय में पी बनेगा, क्लियर है। तो अब देखिए इसका जो औसत दर समीकरण है, लिखेंगे औसत दर बराबर, ध्यान देखें ये एन टू है तो मैंने कहा था ना अभिक्रिया के बाएं साइड वाला है, उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे माइनस डेल्टा ऑफ एन टू अपॉन डेल्टा टी, राइट, इज इक्वल टू। अब देखो अगर आगे मोलों की अच्छा ये इसको एक्टिव मास हम लेते हैं, ऐसे भी करते हैं, ठीक है, तो डेल्टा ऑफ एन टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ थ्री एच टू है तो अगर मोलों की संख्या है तो उसको अपान लिखेंगे, तो माइनस वन अपान थ्री डेल्टा ऑफ एच एच टू अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट बन रहा है मोलों की संख्या को हम चलते बटा में लिखेंगे वन अपान टू, और ये बन रहा है तो प्रोडक्ट के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, तो डेल्टा ऑफ एन एच थ्री अपान डेल्टा, राइट। तो ये इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण हो, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है कि आर गिव्स टी अभिक्रिया के लिए अभिकार की क्षमता 0.03 एम से 25 नैनो में परिवर्तित होकर 0.02 एम हो जाती है, औसत वेग की गणना करो। तो सॉल्यूशन में हम चलेंगे आर गिव्स टी के लिए आर के ह्रास होने की दर क्या हो जाएगी माइनस डेल्टा ऑफ आर अपॉन डेल्टा, राइट, क्या होगा। अब देखो दोस्तों डेल्टा का मान मतलब क्या होता है परिवर्तन, तो अब देखिए यहाँ माइनस ऑफ, अब परिवर्तन क्या हो रहा है कि 0.03 से घटकर इतना हो जा रहा है, तो परिवर्तन हमेशा लास्ट माइनस इनिशियल, तो 0.02 माइनस 0.03, राइट, अपॉन समय हमारा कितना है 20 का, क्लियर। तो ये इजिकल टू क्या आ जाएगा वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ तीनों से दो गया है 0.01 अपॉन 25, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको आप लिख सकते हैं 1/25 इंटू 1 के आगे डब्ल्यू, राइट, तो ये हो जाएगा 1 को डिवाइड करोगे आप तो 0.04 इंटू 10^-2 और मोल मीटर यूनिट मिनट यूनिट, राइट, क्लियर। या इसको और क्या लिख सकते हैं 4×10^-4 मोल लीटर यूनिट मिनट यूनिट, राइट। अब इसको अगर देखिए तब तो ये भी देता है कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में निकालिए, तो सेकेंड इनवर्स में निकालने के लिए इसको आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है, समझ आने बाद। अब अगला टॉपिक है कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं ये ताप दाब सांद्रण उत्प्रेरक हैं, इनमें से ये तीनों मुख्य होते हैं। जैसे ताप का प्रभाव, तो ताप बढ़ाने से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि
कि अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और सांद्रण, सांद्रण का मतलब क्या हुआ, अगर थोड़ा पदार्थ है तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इसमें विशेष एक थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी, संगठवाद, उसका मैंने डिस्कशन नहीं किया। तो जैसे जब आणविक अभिक्रियाएं तभी होती हैं जब अणु परस्पर क्या होते हैं, टकराते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, राइट। तो इतना जानिए कि जब सांद्रण बढ़ाते हैं तो जो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं के, पदार्थ के अणुओं के बीच टकरों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो सांद्रण बढ़ाने से वेग क्या होता है, यानी दर, जो वेग या दर क्या होता है, बढ़ता है। और उत्प्रेरक के उपस्थित में भी दर क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। तो ये जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सारे सोल्यूशन। ओके, थैंक यू।